पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बीजेपी किसी को लोकसभा की टिकट दे और वो उसको वापस लौटा दे। पवन सिंह ने ऐसा ही किया है, जो कि भोजपुरी स्टार है। उनको कल आसनसोल यानी बंगाल से टिकट मिली और आज वो कहते हैं ट्वीट करके कि भैया मुझे नहीं चाहिए। और ये क्यों हुआ? जब विपक्ष ने उनको ट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ उन्होंने अच्छे गाने नहीं बनाए हैं। पवन सिंह के गानों को आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा हो तो गूगल करके देख सकते हैं, मैं तो आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने टिकट वापस ले लिया, यानी मोदी की टिकट को वापस ले लिया। इसके पीछे की राजनीति आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली लिस्ट निकाली है जो 195 की, 195। उसके बाद बीजेपी को बड़े झटके लग गए हैं। और क्यों पवन सिंह ने आकर, जो भोजपुरी एक्टर हैं, टिकट लौटा दिया है? तो सबसे पहला पॉइंट रिमझिम के 5 पॉइंट्स में यही है, भोजपुरी स्टार ने क्यों लौटाया टिकट। दूसरा, चुनाव उससे पहले ही क्या विपक्ष की जीत हो गई है कोर्ट में? इसके पीछे की राजनीति मैं आपको बताऊंगी कि कैसे विपक्ष हावी हो गया है बीजेपी पर। तीसरा, लिस्ट पर क्यों ट्रोल हुई बीजेपी? आखिर ऐसी क्या गलती कर बैठी थी? चौथा, बिहार में एनडीए को कैसे झटका लगा और महाराष्ट्र में भी कैसे लगा है, वो भी बताऊंगी। पांचवा, किसान बीजेपी लिस्ट से क्यों हुए नाराज? इसके पीछे की वजह है कि जिस टेनी के बेटे ने उधर लखीमपुरी वायलेंस कराया, वो जो पूरा मामला था उस वो भी बताऊंगी आपको। तो आखिर किसान, एक तो ऐसे ही आंदोलन चल रहा है, उसके बाद किसान नेता नाराज हो गए हैं बीजेपी से कि हम न्याय की मांग कर रहे थे, आपने जो जो आरोपी है उनके पिता को वापस से टिकट दे दिया है। तो आज यही सब आप जानने वाले। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आखिर भोजपुरी स्टार पवन सिंह, जो कि बिहार के हैं, जिनको बंगाल में टिकट दिया बीजेपी ने लोकसभा का आसनसोल ले, उन्होंने क्यों लौटा दिया है टिकट और अपने ट्वीट में क्या लिखा? वो लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। बताइए ये क्या बात हुई? बीजेपी कभी भी किसी से राय मशवरा करके तो टिकट देगी नहीं। और इसके पीछे की आपको बात पता है कि कल से जब से इनको टिकट मिला तब से ये ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने गाने बनाए हैं, स्पेशली अगर मैं बंगाल की बात करूं तो वो बहुत ही आपत्तिजनक है, मिसोजिनिस्टिक, उसमें भर भर के कॉमेंट्स हैं। तो कल से वो ट्रोल होने लगे कि जितने भी विपक्ष वाले हैं बंगाल के, चाहे वो जे टीएमसी के सारे ले लीजिए, वो कहने लगे कि बीजेपी ने कैसे इंसान को टिकट दिया है आसनसोल से। और आपको एक और बात बता दूं कि जब टिकट की घोषणा हुई थी तो पवन सिंह जिम में बैठे थे और उनकी एक वीडियो वायरल हुई, मैं अभी आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ उसका स्टिल, कि वो बड़े खुश हुए कि मुझे आसनसोल से टिकट मिल गया है। और अगले ही दिन ट्वीट करते हैं कि भैया वापस ले लो बीजेपी अपना टिकट। और इसके पीछे अब विपक्ष हमलावर हो गया है, कह रहा है कि बीजेपी संभाल नहीं पाई इस चीज को, इस ट्रोलिंग को। और पवन सिंह को ये बोला होगा कि कोई तुम अपना पर्सनल रीजन कोट करके आप वापस टिकट ले लीजिए। और ये बात कही है बाबुल सुप्रियो ने, उनका ट्वीट मैं आपको आगे बताऊंगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, कल से आप देख रहे होंगे हर जगह पवन सिंह के गाने ट्रेंड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा से मैं आपको बता दूं कि उनकी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि वहां से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं टीएमसी के। और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी तो शत्रुघ्न सिन्हा को ही देगी टिकट। तो अब पवन सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा का, कल ही मैंने आपको बताया है कि कैसे इन दोनों की दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी और कैसे दोनों बिहारी बाबू हैं लेकिन उनको बंगाल में टिकट मिला है। तो यही सब कुछ चला। इनफैक्ट शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि भैया कैसे को टिकट दे दिया है। और ऐसा नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसे कोई गाने नहीं बनाए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी फिर ट्रेंड करने लगे, उनके भी लोग निकाल निकाल के ट्वीट करने लगे। अब आप देखिए कि ये लोग कुछ कॉमेंट्स जब मैंने देखे तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मोए मोए हो गया। एक ये ट्रेंडिंग मीम है कि टिकट दिया और उसके बाद उन्होंने अगले दिन ट्वीट करके वापस मनाया, पहले जश्न मनाते हैं और फिर घबरा के बीजेपी, अब पता नहीं ये बीजेपी ने स्टेप लिया है, उन्होंने खुद के मन से लिया है, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इसके ऊपर अब पूरा बवाल हो गया है। अच्छा, दूसरा, अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि चुनावों से पहले ही विपक्ष की जीत हो गई है, मैं पहले आपको कुछ ट्वीट्स बताना चाहती हूँ कि जैसे ही पवन सिंह ने ये ट्वीट किया, उसके बाद सबसे पहला जो अभिषेक बैनर्जी का ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि द इनडोमिटेबल स्पिरिट एंड पावर ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, कि सबने ये मुद्दा उठाया कि महिलाओं के प्रति ऐसे गाने बनाए हैं, उस इंसान को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो ये कैसे हम एक्सेप्ट कर लें। तो पूरा उनकी जो है खातिरदारी की गई। और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी वो लिखते हैं टीएमसी से कि भैया देखो हमारी पावर, देखो कि हमने पवन सिंह को या बीजेपी को मजबूर कर दिया कि आप वहां से अपना कैंडिडेट चेंज करो। फिर देख लीजिए बाबुल सुप्रियो, जो आसनसोल से 2 बार के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी इतने लंबे लंबे ट्वीट किए और एक वीडियो शेयर करते हैं कि जब पवन सिंह से एक मीडिया पर्सनल पूछ रहे हैं कि भैया आपका मुद्दा क्या रहने वाला है, तो वो कहते हैं मुद्दा क्या होता है।
तो ऐसे करके पूरे सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है। आप बाबुल सुप्रियो का ये ट्वीट देखिए कि देखिए वो कैसे लिख रहे हैं, प्रेशर फ्रॉम बीजेपी ऑन हिम टू विदड्रॉ साइटिंग पर्सनल रीजन। जो मैं आपको पहले बता रही थी वो मैं इन्हीं का ट्वीट पढ़ के बता रही थी कि कैसे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने ही कहा होगा कि भैया इतना जब मामला बिगड़ गया है तो तुम टिकट वापस ले लो और कह दो कि कोई पर्सनल रीजन है। तो यही सब पूरा विपक्ष हमलावर है। और एक दो और ट्वीट मैं आपको बता देती हूँ, कुछ पोस्टर शेयर किए गए हैं बाबुल सुप्रियो की तरफ से। ये देखिए, मैं आपको दिखा तो नहीं सकती हूँ क्योंकि वो ठीक नहीं है आपके लिए देखना, आप अलग से जाके देख सकते हैं, मैं नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े ट्वीट किए हैं कि माइंडसेट दिख रहा है बीजेपी का कि आपने ऐसे इंसान को टिकट दिया है। तो देखिए बवाल हो गया है, अब आसनसोल से किसको उतारती है बीजेपी वापस से, ये एक बड़ी बात होगी देखने के लिए। और तो और शत्रुघ्न सिन्हा ने तो कल ही कह दिया था कि बीजेपी ने इस ये जो स्टेप लिया है पवन सिंह को उतार के, उसने कहीं ना कहीं टीएमसी को ही जिता दिया है क्योंकि उनको तो हारना ही है और अपनी छवि और खराब कर दी है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने 20 नामों की घोषणा की है अपनी पहली लिस्ट में और उसमें से एक थे पवन सिंह। और अब इस बवाल के बाद बीजेपी क्या करती है वो अब सबको देखना है। इसी बात पे बीजेपी पर एक और सवाल उठ रहा है कि जब ट्रोल होने लगे थे पवन सिंह, जब से उनकी नाम की घोषणा हुई, तो आज ही अमित मालविया का एक ट्वीट आता है, वो ये लिखते हैं, इट इज रिच टू सी टीएमसी लीडर्स डेनिग्रेट अ पॉपुलर भोजपुरी आर्टिस्ट फॉर हिज बॉडी ऑफ वर्क व्हेन हाफ ऑफ देम हैव कॉन्क्यूबाइंस और सेकंड वाइव्स हाफ देयर एज इन सम केसेस यंगर देन देयर डॉटर फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ। So stop it. Respect those who work for a living. तो अमित मालवीय ने किया कि आप किसी के काम के आधार पर किसी को जज नहीं कर सकते हैं, वो उनका काम है। तो उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की और उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पवन सिंह ने नाम वापस ले लिया है। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी की प्लानिंग का क्या हुआ, जब इतने चिंतन इतने मंथन के बाद बीजेपी लिस्ट फाइनल करती है तो ये गड़बड़ी कैसे हो गई आखिर। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। अब तीसरा पॉइंट है, आगे लिस्ट पर क्यों ट्रोल हुई बीजेपी। तो देखिए बीजेपी से लिस्ट में एक गलती हो गई थी, फिर उन्होंने वापस से एक पोस्ट करके उसको सुधारा, लेकिन पहले ही लोग उनको ट्रोल कर चुके थे। ये देखिए बीजेपी का ट्वीट जिन्होंने लिखा है कि असम राज्य के उम्मीदवारों की सूची में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम को सही किया गया है। इससे पहले जब लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू किया तब बीजेपी ने वापस से ये पोस्ट किया। अच्छा, कुछ और कयास मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि जब भी ऐसी चुनावी घोषणा होती है तो फिर बहुत सारे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकलते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट निकलते हैं। पॉजिटिव इसमें यह है कि विपक्ष से आगे निकल गई है, 195 सीटों पर ऐलान कर दिया और विपक्ष का अभी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन सीटों पर अब कुछ क्वेश्चन मार्क भी उठ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि भैया आपने यूपी की सीट जो है 51 सीटों का ऐलान कर दिया, अब वरुण गांधी का क्या होगा। वरुण गांधी जो कि पीलीभीत से सांसद हैं, वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल नाम है। जितने भी कॉन्ट्रोवर्शियल नाम थे आपके, चाहे वो रमेश भिदूड़ी ले लीजिए, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर ले लीजिए, आपने उनको साइड कर दिया। लेकिन कुछ और कॉन्ट्रोवर्शियल नाम है जो हमेशा ऑपोजिट कमेंट्स करते रहते हैं, जैसे वरुण गांधी। तो अगर आप उनका पीलीभीत से सीट जो टिकट है वो काट देते हैं, कहीं ऐसा ना हो वरुण गांधी निर्दलीय अमेठी से चुनाव लड़ ले, कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी को ज्वाइन कर ले, तो एक तो कयास ये लग रहा है। फिर मेनका गांधी का क्या होगा, मेनका गांधी सुल्तानपुर की सांसद है, उनकी भी क्या आप टिकट काटेंगे। फिर आ जाइए बृजभूषण, जिनके ऊपर, बृजभूषण के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि कितना बड़ा मामला हुआ था। बृजभूषण के खिलाफ भारी भारी आरोप लगे हुए हैं और वो कहाँ से सांसद है, केसरगंज से। अब उनका क्या टिकट काटेगी बीजेपी, और वो तो यही कहते रहते हैं कि वो तो धमकी देती रहती है कि मैं लड़ूंगा चुनाव कुछ भी कर लो, चाहे महिलाओं के खिलाफ कोई भी आरोप लग रहा हो मेरे ऊपर, मैं तो टिकट लगूंगा। अब देखना ये होगा वरुण गांधी, बृजभूषण सिंह, इन सबका क्या होता है अगली लिस्ट में और बीजेपी क्या करती है। और देखिए बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी संन्यास ले लिया है टिकट कटने के बाद। आपको याद होगा कि कैसे कोविड के टाइम में बस उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए सब तत्पर रहते थे और अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा सा ट्वीट किया है और बोला है कि मुझे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ मिली, उनके लिए बहुत थैंक यू, और अब वापस से मैं अपनी डॉक्टरी पर वापस रिटर्न करता हूँ और मैं पोलिटिकल करियर से संन्यास लेता हूँ। ये उनका पूरा ट्वीट देखिए कि कैसे उन्होंने पूरी अपनी जर्नी बताई, थोड़े से भावुक भी हो गए और अब उन्होंने कहा है कि मैं फाइनली संन्यास ले रहा हूं। आपको बता दूं डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक दिल्ली में जो है उधर के सांसद थे और अब बीजेपी ने उनका टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को दे दिया है। अब अगला पॉइंट है कि बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए को झटका क्यों है। देखिए पहली लिस्ट आई है 195 यानी 195 सीटों की, लेकिन बिहार से एक भी नाम नहीं है।
महाराष्ट्र से एक भी नाम नहीं है। इससे तो कयास यही लग रहे हैं कि जो वहां पर आपका गठबंधन है वहां पे आप सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हो, वहां पे कुछ तो झोल चल रहा है जिसके कारण एक भी नाम सामने नहीं आया है। बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में क्यों नहीं आया है? अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने ज्वाइन किया है NDA और अभी आपने कल एक ट्वीट देखा होगा, कल एक वीडियो देखी होगी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को माला के लिए खींच कर आगे लेकर आए। फिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से कहते हैं कि देखिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम, हालांकि वो 9-10 बार पलटी मार चुके हैं लेकिन उन्होंने सामने सामने स्टेज पे कहा कि अब हम आपसे ब्रेकअप नहीं करेंगे, अब हम ताउम्र NDA में रहेंगे, लेकिन किसी को इस बात पे भरोसा नहीं होता है और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ उसको देखकर, आप ये वीडियो देखिए सामने, कि वो हंसते रहे। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। अगर मैं अब आगे बात करूं सीट शेयरिंग फॉर्मूले की, तो JDU पिछली बार क्या होता है, JDU ने 17 रखी थी, बीजेपी ने 17 रखी थी और 6 जो है वो LJP के पास चली गई थी। लेकिन अब समस्या है, आप चिराग को कितने देंगे, चिराग पासवान, आप उनके चचा जान पशुपति पारस को कितने देंगे, आप माझी को कितने देंगे जिनकी HAM पार्टी है, आप कुशवाहा का क्या करेंगे, आप मुकेश सैनी का भी कुछ करने वाले हैं। तो इस पूरे झोल में बिहार में बीजेपी उलझ के रह गई है कि आखिर गठबंधन के साथी इतनी सीटें मांग रहे हैं, कहां से लाएगी बीजेपी। और तो और आप इसमें ये भी देख लीजिए, लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि NDA गठबंधन टूट ना जाए, बगावत ना हो जाए बिहार में, और सेम बात महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र में सबको पता है फडणवीस गुट जो कि बीजेपी का है वो अलग ही ताव में रहते हैं, फिर अजीत गुट देख लीजिए, शिंदे गुट देख लीजिए, इन तीनों की आपस में इतनी बनती नहीं है, सामने बताने के लिए वो एक ही गठबंधन में है, लेकिन कई ऐसे किस्से सामने आते हैं जिसमें इन तीनों के गुट जो है आपस में नेता लड़ते रहते हैं और ऑब्वियसली सीट शेयरिंग पे भी लड़ाई चल रही है। देखिए इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में लगभग फाइनल कर लिया है मामला, लेकिन बीजेपी का नहीं हो पा रहा है और महाराष्ट्र से एक भी नाम सामने नहीं आया है, और उसकी वजह यही है कि बीजेपी शायद ये जो पूरे अंदर इंटरनल रिफ्ट चल रही है उसको सुलझाने की कोशिश में है। तो क्या बिहार और महाराष्ट्र में NDA को झटका लग सकता है? पांचवा देख लीजिए कि आखिर जैसे ही बीजेपी की पहली लिस्ट आती है किसान कैसे नाराज हो गए, यहाँ तक कि जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है और उसकी जो कमान संभाले हुए हैं पंडेर, उन्होंने तो बाइट भी दे दी कि आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं, आप वापस से लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को टिकट दे देते हैं, जबकि आपको पता है कि उनके लड़के पर आरोप है कि जब लखीमपुर वायलेंस हुई थी तो उनपे आरोप है कि किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ी चला दी थी, और तब से किसानों की MSP की मांग तो है ही, लेकिन ये भी मांग है कि लखीमपुर खीरी में हमको न्याय चाहिए, और आपने वापस से उनके पिताजी को टिकट दे के हमारे जले पे नमक छिड़का है, ये किसानों की इंसल्ट है। तो देखिए बीजेपी ने बड़ा स्टेप ले लिया है, ऑलरेडी किसान आंदोलन चल रहा है, ऑलरेडी किसान बीजेपी से नाराज है और दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए, हालांकि दिल्ली पहुंच नहीं पाए लेकिन पूरा मामला आपको पता है। अब बीजेपी ने वापस से भरोसा जताकर किसानों को और गुस्से में ला दिया है। अब आप सुनिए पंडेर की बाइट। जिस तरह से डरी हुई सरकार ने अपने अपनी ओर से ये यत्न किया, भी हम डर रहे हैं, जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर खीरी के साजिशकर्ता थे, उनके बेटे अजय मिश्रा टैनी ने जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनका कत्ल किया था, उनको कल भाजपा ने टिकट दे दी, तो वो कटे पे नमक छिड़कने की बात की गई है जो सरकार कर रही है, और सरकार का असल चेहरा नंगा हो गया। अभी जो जीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी केंद्र में मंत्रिमंडल में है और आगे वो MP बनेंगे, तो अब देश के 140 करोड़ लोग देखेंगे कि जो इस तरह की सरकार है जो बर्बरतापूर्ण देश के किसान मजदूर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो आपने देख लिया कि कैसे पहली लिस्ट आने के बाद ही बीजेपी को कुछ बड़े झटके लग चुके हैं और एक ने तो टिकट भी वापस लौटा दिया है। अब बीजेपी का क्लैरिफिकेशन भी आएगा इसके ऊपर, और अभी तो सिर्फ 195 सीट्स आई हैं, कितने 543 पे चुनाव लड़ना है, तो NDA का तो ये लोगो है और वो तो ये कह ही रहे हैं 400 पार, लेकिन अगर ऐसे ही झटके लगते रहेंगे तो ये कैसे मुश्किल हो पाएगा, ये विपक्ष पूछ रहा है। और इसी बीच सिंघवी ने भी ये कॉमेंट किया था कि शेम ऑन बीजेपी जो पवन सिंह को उन्होंने टिकट दिया। तो देखिए अब ये बवाल आगे बढ़ता ही जाएगा, रुकने का नाम नहीं, अभी तो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस यानी इन सबकी लिस्ट आने वाली है, तो आपके लिए एकदम एक्शन पैक्ड मामला रहने वाला है। आप News 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट देखते रहिए, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।